हाय सस्याकाल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैर से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे। आज जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है हुस्न मुस्तफ़ा बाय पीर साकिब शामी। ये जो वीडियो है मुझे मोहम्मद हुसैन शाह है जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं इस वीडियो पे रिएक्ट करूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें हुस्न मुस्तफ़ा मीन्स मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में क्या मेंशन किया गया है और किस तरीके से मेंशन किया गया है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ले जाते हैं मदीनतुल मुनव्वरा के मुजाफात में सैर के लिए जाते हैं। अचानक देखते हैं एक काफले ने पड़ाव किया हुआ है। वो काफला उनके पास ऊंट है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरब का एक सुर्ख ऊंट बहुत पसंद आया। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं इस ऊंट को खरीदना चाहता हूँ। काफले का सरदार वहाँ मौजूद था। उन्होंने कहा ले जाइए खरीदिए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया देखो मैं सैर के लिए आया था, ऊंट खरीदने के लिए तो नहीं आया था। ये मेरा मकसद नहीं था, मैं फकत सैर के लिए आया था। तुम्हारा ऊंट नजर आया, मुझे पसंद आया। अरे नाज करते हैं हम, क्या अजीम ऊंट है वो जो आका को पसंद आ गया, जो आका को पसंद आ गया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया मैं इसे खरीदना चाहता हूं लेकिन इस वक्त मेरे पास कीमत नहीं है, मेरे पास कीमत नहीं है। मैं जाऊंगा घर, घर जाकर वापस कीमत अदा कर दूंगा। वो देख रहे हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आका जा रहे हैं, आका वहां से तशरीफ ले जाते हैं। वो आका को कहते हैं आप ले जाएं ऊंट, आप ले जाएं। आका के हुसन के जलवे देख रहे हैं, उस वक्त तक आका को देख रहे हैं जब तक आका उनकी आंखों से ओझल नहीं हो जाते। जब आका उनकी आंखों से ओझल हो जाते हैं तो अचानक एक शख्स पूछता है अरे ये कौन आया था, ये आने वाला कहाँ से आया था, कहाँ जाने कहाँ से आया था, हम इसे नहीं जानते। कहा ऊंट खरीद के ले गया, कीमत दी, कहा नहीं दी, कहा क्या किया, कहा उधार, कहा कहा उधार दिया। नाम जानते हो, नाम नहीं जानते, एड्रेस जानते हो, एड्रेस नहीं जानते, पता है कौन है नहीं पता, कोई जामिन, जामिन नहीं, कोई जमानत देने वाला नहीं, कोई चीज गिरवी रखी, गिरवी भी नहीं रखी। अरब का सुर्ख ऊंट इंतहाई महंगा ऊंट होता है, अवामा जानते हैं सुर्ख ऊंटों की कीमत क्या है। कोई बंदा आए जिसका नाम पता नहीं, एड्रेस पता नहीं कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, अपना ऊंट, उनका ऊंट वो लेके चले जाते हैं, उधार लेके जाते हैं, नाम भी नहीं बताते, एड्रेस भी नहीं बताते। कहा तुम्हें क्या हो गया था, तुमने अपना ऊंट यूं ही दे दिया। एक शख्स बोला अरे तुम कहते हो कि उसका नाम पूछते, उसका पता पूछते, अरे ना जाने क्या हो गया था, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए थे, हम तो उसके हुस्न में ऐसे खो गए थे। अरे जब वो बोलता था ना तो उसके मुंह से फूल झड़ते थे, उनके मुंह से फूल। उन्हीं की भू मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं। वो गुल है लबहाए नाजुक उनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल ये देख गुलशन गुलाब में है, ये देख गुलशन गुलाब में है। एक शख्स बोला अरे नादानों इतना महंगा ऊंट यूं ही दे दिया, पता भी नहीं पूछा, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला तुम कहते हो एड्रेस पूछते और तुम कहते हो कि तुम उसके मीठे बोल सुन रहे थे, अरे मैं तो उसके कुंडल कुंडल जुल्फों को देख रहा था, उनके जुल्फों के पेचो खम में ऐसा गुम हो गया था, उनके हुस्न में गोया के। आला हजरत ही फरमाते हैं ना लम याति नजीर कफी नजर मिसले तु नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सरसु है तुझको शहे दोसरा जाना, अनफी अतश व सखा का अतम है गैसु में पाक है अबरे करो, है गैसु में पाक है अबरे करो, बरसन अरे रिम जिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, अनफी अतशिन व सखा का आतम। और एक पंजाबी शायर ने कहा मुख चंद बदर शाह शानी मत चमके लाठ नूरानी काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अकीन मदबरिया। जुल्फों के असीर हो जाते हैं, जो उनकी जुल्फों को खुला, जो खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, खुला गजब हुआ तेरी जुल्फे दराज का, फांसी गले में डाल के दुनिया लटक गई। ये उनके जुल्फों का असर है, लोग कुर्बान हो जाते हैं, अपनी जान मारते हैं। आका आपकी कुंडल वाली जुल्फे ऐसी हैं, हमें कहाँ याद रही कीमत कितनी है, नाम क्या है, इलाका कौन सा है, शहर कौन सा है। अभी कलाम हो ही रहा था एक शख्स ने कहा अरे नादानो क्या किया, ऊंट दे दिया, नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा। एक शख्स बोला अरे वो तो इनके मीठे बोलों में खो गया था, ये तो कुंडल वाली जुल्फों में खो गया था, लेकिन तुम जानते हो मैं क्या देखता था। कहा क्या देखते थे, कहा
उनके लबों पर जब तबस्सुम की खिलखिलाहट होती, जब मुस्कुराहट होती, उनके उनके दांतों की चमक देख रहा था, वो मुस्कुराते थे, उनका नूर मुझे सामने वाले पहाड़ों पे नजर आता था, सामने वाले पहाड़ों पे नजर। माजाक का कजला नैन भरे, वो शम्स का बटना मुख पे मले है, मीम का घूंघट चेहरे तले, वो अर्श का तारा आवत है, यासी की चमक है दांतन में, ताहा का करिश्मा आंखन में, वल फजर का जलवा गालन में, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है, वो रब का प्यारा आवत है। एक शख्स ने कहा, अरे तुम तो उनके दांतों की चमक को देखते थे, उनकी मुस्कुराहट को देखते थे, और मुझसे पूछते हो कि मैं नाम पूछता, पता पूछता। अरे देखते नहीं, तुम दांतों को देखते थे, मैं तो उनके नैनों को देखता था, मैं तो उनकी आंखों को देखता था, उनकी आंखों के हुस्न में ऐसा खो गया था, अरे मैं तो भूल चुका था, हम तो अपने होशो हवास खो बैठे थे। एक शख्स ने कहा, अरे देखो देखो वो तुम्हारा ऊंटी ले गया, ऊंटी ले गया है, नाम भी नहीं पूछा, एड्रेस भी नहीं पूछा, कलाम में यह तासुर दिया गोया के ऊंट चोरी हो गया है। अचानक खेमे से एक औरत की आवाज आती है, खेमे से एक औरत की आवाज आती है, वो कहती है, खबरदार अना दामिनतुन लिसमनी जबनिकुम, एक औरत कहती है, खबरदार कोई ये ना कहे ऊंट चोरी हो गया है, मैं जमानत देती हूं तुम्हारे ऊंट की कीमत की, अगर कीमत अदा न की तो मैं करूंगी, मैं जमानत देती हूं, मैं जामिन हूं। कहा, शुक्र है कोई तो जानता है उसको, शुक्र है कोई तो उसको जानता है, कोई तो पहचानता है, कोई और जामिन नहीं था, जमानत देने वाला नहीं था, शुक्र है तुम जानती हो। कहा, नहीं जानती तो मैं भी नहीं हूं कौन है, मुझे भी नहीं पता कौन है। कहा, फिर जमानत काहे की, क्यों जमानत दे रही हो? उसने कहा, हुआ ये कि जब वो तुमसे बातें कर रहा था ना, तो खेमे की ओट से मैंने उसका हसीन चेहरा देख लिया। अरे अरे सुनो 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 सुनो, कहा जिसका चेहरा इतना हसीन हो वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठा नहीं हो सकता, वो झूठ नहीं बोल सकता, मेरे आका का हुस्न ही ऐसा है। तुम कहते हो तुम उनकी तरह हो, जरा तुम भी कहीं खरीदने के लिए कुछ जाओ, देखते तेरे चेहरे का हुस्न देखकर कौन जमानत देता है, कौन जमानत देता है। अभी बात हो ही रही थी ना, अभी कलाम हो रहा था, अचानक मेरे आका के गुलाम आ गए, अचानक साहबा साहबा कीमत लेकर, कौन है जिसने आका को ऊंट दिया है, ये ज़ियाफ़त के लिए चंद खजूरें भी ले लो, खजूरें भी रख लो, और ये कीमत बताओ। उन्होंने कहा, कीमत अब कीमत को छोड़ो, अब सौदे को छोड़ो, क्यों? अब हमारा सौदा बाजारे मुस्तफा में हो चुका, अब हमारा अरे कीमत को भूल जाओ, कीमत को छोड़ो, अब हमारा सौदा हो चुका। अरे क्या हुआ, कैसे? कहा, बताओ वो सोना था कहाँ से, वो मनमोना कहाँ से आया था? अरे हम तो उसका आना जाना देख रहे थे, हम तो देखते ही रह गए, एक माहे अदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, एक माहे मदन नूरानी बदन नीची नजरें सबकी खबरें, वो दिखा के पवन वो सुना के सुखन, मोरा फूंक गया सब तन मन तन, मोरा फूंक गया। कहा वो सोना था कौन बताओ? अरे कहा वो देखते नहीं, वो खजूरों का झुंड नहीं देखते, अरे वही तो मदीनातुल मुनव्वरा है, अपनी किस्मत पे नाज करो, ये वही मोहम्मद अरबी है, अरे जिनकी अजमतों के तराने दुनिया लाप रही है, तुम खुशबख्त हो तुम मदीने के करीब आ गए हो। कहा फिर ले जाओ। आका की बारगाह में हाजिर हुए, वो सारा काफिला कलिमा पढ़ के वापस आ रहा है, और उनके तेवर देखने के लिए गोया के कह रहे हैं, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, जोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतू के गुजारे नहीं होते, और बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, शान के सौदे में खसारे नहीं होते। तो ये है नबी की खूबसूरती। आज तक हम लोगों ने अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग तरीके से सुना है कि वो लोग नबी की जो तारीफ़ करते हैं कि नबी ऐसे थे, नबी वैसे थे, नबी की खूबसूरती ऐसी थी, नबी के बाल ऐसे थे, नबी की आंखें ऐसी थी, उनकी चाल ढाल ऐसी थी, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। तो अलग अलग लोगों के मुँह से हमने अलग अलग तरीके से उनकी पर्सनैलिटी के बारे में सुना है, और जब वो उनकी खूबसूरती के बारे में बयान करते हैं तो वो लोग इतने ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, इवन सुन के, मतलब क्योंकि वो इतने एक्साइटेड होते हैं बयान करते हुए कि सुनने वाले को भी बहुत खुशी होती है कि मतलब ये थी, अगर हम ऐसे बोलेंगे नबी के बाल बहुत खूबसूरत थे, ये तो सामने वाले बंदे को भी नींद आ जाएगी। तो इतने एक्साइटमेंट के साथ में जब
स्पीच डिलीवर की जाती है या किसी के बारे में बताया जाता है तो सामने वाला बंदा वैसे ही खुश हो जाता है कि मतलब सुन के कि उनकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी। और आज के टाइम पे भी अगर हम देखें कि नो मैटर कि कोई बंदा कितना अमीर है, उसके पास कितना भी पैसा हो, अगर वो कहीं जाता है कुछ चीज़ लेने के लिए तो सामने वाला बंदा सिर्फ उसकी खूबसूरती देख के या उसकी पर्सनैलिटी देख के उसको कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं देगा, वो हमेशा उससे कुछ ना कुछ चीज़ रखवाएगा या फिर अगर कोई क्या बोलते हैं उसको गारंटर बोलते हैं ना हम लोग, कि इसमें भी कोई वर्ड बोला था उन्होंने, मुझे याद नहीं तो उन्होंने क्या बोला था, मीन्स कोई जमानती, हाँ कोई जब तक उनकी जमानत नहीं लेता तो उस टाइम तक हम लोग किसी को कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं दे देते उठा के, वो भी जिस चीज़ की वैल्यू इतनी ज़्यादा है, क्योंकि हम सबको पता है कि अगर हमने दे भी दिया इस बंदे को, हम नहीं जानते, कोई इसका गारंटर भी नहीं है, तो हम लोग क्यों इसको अपनी कोई चीज़ दे दे, पता नहीं ये बंदा वापस आएगा हमारे पैसे देगा या नहीं देगा। लेकिन नवी की पर्सनैलिटी इतनी अच्छी थी कि मतलब बंदा उनको देख के इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाता था कि कुछ भी उनकी बात को वो मान लेते थे। और सिर्फ ये नहीं है कि मतलब उनकी मतलब खूबसूरती को देख के, हकीकत यह है कि वो उस रब के भेजे हुए पैगंबर थे और उनमें ये कशिश तो थी कि वो बहुत खूबसूरत थे, उनकी खूबसूरती की तो एक अलग चीज़ है जिससे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते थे। उसके साथ साथ में उनका जो ओवरऑल पर्सनैलिटी या उनकी जो एक कहते हैं ना कि बंदे को देख के एक पॉजिटिविटी इंसान में आती है, तो लोगों में वही चीज़ होती थी और जिससे लोग उनको देखते ही इम्प्रेस हो जाते थे। अदरवाइज तो उस टाइम पे और भी बहुत ही खूबसूरत लोग भी रहे होंगे, बट हर किसी में ये बात नहीं थी कि वो कहीं से भी जाके कुछ भी चीज़ ऐसे लेकर आ जाए या किसी से कोई चीज़ कहे और वो इंसान सामने वाला उनकी बात को मान जाए, ये नहीं होता। क्योंकि इससे पहले भी हम लोगों ने कई इंसिडेंट्स ऐसे सुने हैं, कई ऐसे किस्से सुने हैं जिसमें नवी ने जिसको जो भी चीज़ बोला लोगों ने उनकी मान ली, नवी जिसको जो भी एडवाइस करते थे लोग उनकी बात को सबसे ऊपर रखते थे, मायने मीन्स उनकी बात को वो इम्पोर्टेंस देते थे कि नवी ने कुछ बोला है तो हमें इनकी बात को मानना है। जैसे कि हम लोगों ने वो बकरी वाला वाक्या भी सुना है जिसमें नवी कहीं जा रहे थे तो उन्होंने रास्ते में एक बकरी देखी जो कि बहुत ही सुकड़ी सी थी, बट फिर भी जब उन्होंने उस बकरी की ओनर से पूछा कि क्या मैं इसका दूध दो लूँ तो उन्होंने उसे नवी को मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि ऑल्दो उन्हें पता था कि मेरी बकरी तो इतनी मरी सी है ये कहाँ ही दूध दे पाएगी, बट फिर भी उन्होंने नवी को ना नहीं कहा। और जब नवी ने उस बकरी को हाथ लगाया तो उसने इतना दूध दिया कि साहबा ने भी पिया, नवी ने भी, वो जो लेडी थी उन्होंने भी, और उसके बाद में भी वो बहुत सालों तक दूध देती रही थी। तो जब लोग उनको मना नहीं करते थे तो उसका जो रिजल्ट लोगों को ये मिलता था कि उनकी उस चीज़ में बरकत आ जाती थी। तो ये नवी की एक उनके ऊपर रहमत होती थी कि वो उनकी चीज़ों में बरकत दे देते थे। इसके अलावा वो हिरन वाली बात भी जो है, मतलब एक जानवर ने उनसे बात की थी, वो हिरनी ने उन्हें बोला कि मैं जाके अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाती हूँ क्योंकि ये मुझे इन्होंने ला के यहाँ पे बांध लिया। तो नवी ने बोला ठीक है जाओ, तो उस जानवर ने भी उनके जो नवी के वर्ड्स की रिस्पेक्ट रखी और वो वापस आई अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए। तो सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी ऐसे हैं जिनके ऊपर नवी का वो जादू चलता है। मीन्स जादू में किसी मीन्स ऐसे गलत वे में नहीं बोल रही, उस टाइम पे लोग बोलते थे कि ये जादूगर हैं, ये कुछ जादू कर देते हैं, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी का जादू था, वो उन्हें जो रब की तरफ से बख्शीश मिली हुई थी उसका जादू था कि लोग उन्हें किसी चीज़ के लिए ना नहीं करते थे। सिर्फ मदीना वाले लोग ही नहीं, आसपास जहाँ भी नवी जाते थे और लोगों को वो कुछ भी बोलते थे, उन सबके ऊपर उनका वो जादू चलता था। और आज की इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं जी, बाय बाय।